अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप लोग अपने टिकटॉक की आईडी की आप लोग एज चेंज करना चाहते हैं, जब आप लोगों ने अपनी आईडी क्रिएट की थी तो आप लोगों ने नॉर्मल जो उसकी एज है वो आप लोगों ने 18 साल से कम रखी थी, और अब आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग 18 साल से ज्यादा या 18 साल से कम करना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, आपको वो तरीकाकार बताऊंगा, आप लोग किस तरह से अपनी जो एज है वो आप लोग टिकटॉक की टीम से आप लोग चेंज करवा सकते हैं। आप लोगों को टिकटॉक पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को चेकआउट भी करवा दूंगा कि टिकटॉक पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप लोगों ने अपनी एज चेंज करवानी है वो आप लोग टिकटॉक पर किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करके आप सेलेक्ट कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस, अगर आप लोग पीएसएल मैच देखकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो देखकर आप लोग पीएसएल देखकर और पीएसएल खेलकर आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर टिकटॉक पर टिकटॉक की एज चेंज करने के लिए यहाँ से मैं टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को मी के ऊपर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल के ऊपर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एज चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेशक आप लोग यहाँ पर देख लें, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग मैनेज अकाउंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो भी आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। मोस्टली जो होता है हमारी प्राइवेसी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर भी कोई चीज़ हमें शो नहीं करवाई जा रही। तो अब आप लोगों ने अपनी जो आईडी की एज है वो आप लोगों ने एज चेंज किस तरह से करनी है, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने उनके ऊपर फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आपके पास हेल्प एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हेल्प एंड सेंटर के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोग किस तरह से जो टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो आईडी है वो चेंज, अपने आईडी का जो एज है चेंज करने के लिए क्या कुछ करवाना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि आप लोगों ने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर में आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी, आप लोग उनको पढ़ के भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, सिंपली ऊपर आप लोग देखें आपके पास कॉपी पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने जो मैसेज यहाँ पर टाइप करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइप करके बता देता हूँ। आप लोगों ने भी एज इट इज़ यही काम करना है, आप लोगों की जो एज है वो टिकटॉक की टीम की तरफ से आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने टेल अस योर फीडबैक, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल की जो आपके पास एज वाला ऑप्शन तो नहीं आ रहा, अगर आप लोग कोई अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट सेंड करना चाहें वो आप लोगों ने यहाँ पर अटैच कर देना। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड नहीं कर रहा, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लें। जिस तरह से ये जो मैसेज मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आप लोगों ने भी एज इट इज़ इसी तरह से मैसेज टाइप करना है। मैसेज क्या है, टिकटॉक टीम, आई एम मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड बट आई हैव मिस्टेकनली पुट माई एज लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड ऑन टिकटॉक, सो काइंडली चेंज माई एज एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। तो इस तरह से टूटी फूटी इंग्लिश मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, आप लोग भी कोशिश करें इस तरह से आप लोग टिकटॉक की टीम से उनको जो रिप्लाई है मैसेज है वो आप लोगों ने लाजमी से सेंड करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो जो मैसेज है वो टिकटॉक की टीम के पास चला जाएगा, जब भी वो आपको रिप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रिप्लाई आएगा, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस के अंदर भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशंस आप लोगों ने किस तरह से चेक करना है, उसके लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, बैक आ जाएं, यहाँ पर आप लोगों ने इनबॉक्स पर क्लिक करना है। इनबॉक्स पर क्लिक करने के बाद ऑल एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग देखें टिकटॉक फ्रॉम टिकटॉक, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टिकटॉक की तरफ से जितने भी आपको यहाँ पर रिप्लाई आएंगे मैसेजेस आएंगे तो आप लोग यहाँ पर इजीली उनको पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग टिकटॉक की टीम को यहाँ पर मेल कर सकते हैं, उनको रिव्यू के लिए अपना जो अकाउंट है वो भेज सकते हैं। बस आप लोगों ने एक जो मैसेज है वो मैसेज करके छोड़ देना है तो आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर दोबारा से आपकी एज है आपको एज चेंज करने का मौका दे दिया जाएगा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से आप लोगों ने टिकटॉक की टीम को मेल करना है, उनको आप लोगों ने जो चीज़ें लिखनी है वो आप लोगों ने क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख लेनी है। तो गाइस, हम कमल रेखाकार के आप लोग किस तरह से टिकटॉक की टीम से बात करके अपने जो अकाउंट की आईडी की आप लोग एज है वो आप लोग चेंज करवा सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ गई होगी, आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से आप लोग एज चेंज करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग इससे रिलेटेड मजीद कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।